हेलो, वेलकम टू माय चैनल इजी वैली कुकिंग। वैसे इडली तो सभी को बहुत पसंद होती है, पर मैं आज उसी इडली को कुछ अलग तरीके से प्रेजेंट करने जा रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ इडली चिली। तो चलिए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पर मैंने लिए है 8 पीस इडली। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 कप मैदा, चावल का आटा, कॉर्नफ्लोर, पानी, 1 शिमला मिर्च, 1 प्याज, स्प्रिंग ऑनियन, सोया सॉस, टोमेटो सॉस, रेड चिली सॉस, नमक, लाल मिर्च पाउडर, विनेगर, तेल, कसा हुआ लहसुन, कसा हुआ अदरक और बारीक कटी हरी मिर्च। तो चलिए शुरू करते हैं इडली चिली बनाने की प्रोसीजर। तो सबसे पहले इडली के पीस बना लेते हैं। मैं इडली लंबाई में काट रही हूँ, आप चाहे तो इसे स्क्वायर शेप में भी काट सकते हैं। इसी तरह हम सभी इडली के पीसेस बना लेते हैं। इस तरह से मैंने इडली के पीसेस बना लिए हैं। अब हम मैदे का बैटर बना लेते हैं। बैटर बनाने के लिए एक बाउल में 1 कप मैदा ले लेते हैं। उसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर, 2 छोटे चम्मच चावल का आटा, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार। अब हम इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। ये अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। ये बैटर हमें ना ही ज़्यादा गाढ़ा बनाना है और ना ही ज़्यादा पतला, इसलिए पानी थोड़ा थोड़ा ही ऐड करें। अब आप बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। हमारा बैटर रेडी हो चुका है। अब हम इडली फ्राई कर लेते हैं। तेल मैंने मीडियम फ्लेम पे गरम करके ले लिया है। अब हम इडली का एक पीस लेंगे, उसे बैटर में डिप करेंगे और उसे तेल में छोड़ देंगे। हमें इन्हें डीप फ्राई करके लेना है। इसी तरह हम इडली के पीस बैटर में डीप करके तेल में डीप फ्राई कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इनका कलर गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी प्रोसीजर से बाकी के पीस भी फ्राई कर लेते हैं। इडली के सभी पीसेस मैंने फ्राई करके ले लिए हैं। अब हम आगे की प्रोसीजर की ओर बढ़ते हैं। कढ़ाई मैंने गरम करके ले ली है। अब हम उसमें 2 चम्मच तेल ले लेते हैं। अब हम तेल में कसा हुआ लहसुन, कसा हुआ अदरक और बारीक कटी हरी मिर्च डाल देते हैं। इन्हें अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें प्याज डाल देते हैं और शिमला मिर्च डाल देते हैं। इन्हें हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 2 से 3 मिनट तक ही पकाना है। इन्हें अच्छे से पकाने के बाद हम इसमें स्प्रिंग ऑनियन का व्हाइट वाला पार्ट डाल देते हैं। और इसे सौते कर देते हैं।
अब हम इसमें डालेंगे 1.5 चम्मच विनेगर, 1 बड़ा चम्मच टमाटो सॉस, 1 चम्मच रेड चिली सॉस और 1.5 चम्मच सोया सॉस। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम एक कटोरी में 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर लेते हैं, उसमें हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे। और इसका पेस्ट बना लेते हैं। इसमें उबाल आ चुका है, अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर की पेस्ट डाल देते हैं और फिर से एक बार इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब ये अच्छे से पक चुका है, अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसमें इडली के पीसेस ऐड कर देते हैं। ध्यान रहे कि गैस बंद करने के बाद ही हमें इसमें इडली के पीसेस ऐड करने हैं। अगर हम गैस ऑन रखेंगे और इसमें इडली की पीसेस ऐड करेंगे तो इडली नरम हो जाएगी। इन्हें मिक्स कर लेते हैं। ऊपर से थोड़े स्प्रिंग ऑनियन स्प्रिंकल करते हैं और फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमारी इडली चिली रेडी हो चुकी है, अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं। तो तैयार है हमारी आज की डिश, यम्मी इडली चिली। आप भी ये डिश घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर आपको ये अच्छी लगी तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। मिलेंगे एक और रेसिपी के साथ बहुत ही जल्द, तब तक के लिए बाय। वॉचिंग अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ,